आइए आज महर्षि चरक ने चरक संहिता में सूत्र स्थान पर जो आरोग्य के सूत्र कहे उनको आपको बताते हैं। महर्षि चरक का एक एक सूत्र हमें आरोग्य देने वाला है। हम 100 वर्ष तक स्वस्थ आयु, दीर्घ आयु, सुखी आयु कैसे प्राप्त करें? छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते, उन्हीं से हम बीमार हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। भगवान ने जो जीवन रूपी सौगात हमें दी है, इस जीवन में हम पूरा सुख नहीं पाते। तो आप भी पेन डायरी उठाइए और जो महर्षि चरक ने चरक संहिता में जो सूत्र दिए हैं, वो सूत्र मैं आपसे कह रहा हूँ, सूत्र स्थान में जो कि चरक संहिता का प्रथम अध्याय है, और उसमें जो बहुत गहरी बातें कही हैं आरोग्य के लिए, उनको आपके आरोग्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके सुख समृद्धि और शांति के लिए आपसे कह रहा हूं। इसमें बहुत सी बातें हैं, क्रम से हम कहते रहेंगे। छोटी सी बात है लेकिन उसको भी आरोग्य से जोड़ करके कहा, आरोग्य के सूत्रों से जोड़ा है महर्षि चरक ने। साधु वेश, जो हमारा वेश है, परिधान है, वह सुंदर होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, स्वास्थ्यप्रद होना चाहिए। साधु वेश, प्रसिद्ध केश, जो हमारा केश विन्यास है, चाहे हम मुंडन कराएं, चाहे हम बाल रखें, इनको अच्छे से साफ करके रखें, तेल आदि लगा करके रखें। इसलिए हमने साधु वेश के लिए पतंजलि परिधान और साधु केश के लिए केश कांति। पूरी दिनचर्या है उसको बाद में कहेंगे। फिर मूर्ध श्रोत्र घ्राण पाद तैल नित्य, मूर्ध श्रोत्र घ्राण पाद तैल नित्य, अर्थात अपने सिर पर, मूर्ध कहते हैं सिर को, श्रोत्र कहते हैं कान को, नासिका घ्राण कहते हैं नासिका को, पाद कहते हैं पैर को, तैल नित्य, इनके ऊपर नित्य तेल लगाना चाहिए। अभी क्या करते हैं हम लोग, जो है कान में तो तेल लगाते ही नहीं, आजकल वो रुई से बने हुए उसको इतना ज़्यादा रगड़ते हैं कि उससे कई बार कानों में घाव तक हो जाते हैं, नुकसान तक हो जाता है। नासिका में सरसों का तेल, बादाम का तेल, जिनको थोड़ा कफ एलर्जी रहती है उनके लिए षडबिंदु तेल, और ऐसे गाय का घी भी डाल सकते हैं। कान में भी जिनको खुजली आदि रहती है या ऐसे सामान्य है, तो ऐसे ही थोड़ा सा हाथ में एक दो बूंद तेल लगाए और उसके ऐसे कान के अंदर लगा लिया, बादाम तेल। और जिनको थोड़ा खुजली आदि रहती है तो कायकल्प तेल, ऐसे कान के लिए तेल की व्यवस्था है अपने यहाँ पर भी, जिनको कर्ण रोग आदि होते हैं उसके लिए। सामान्य रूप से सिर में केश कांति तेल, जिनको बहुत ही सिरो रोग आदि रहते हैं उनके लिए बादाम रोगन तेल। मूर्धा में, कानों में, नाक के अंदर, पाद पैर में तैले नित्य, नित्य तेल लगाना चाहिए। वैसे बड़ी उम्र में तो माताएं बहनें पैरों के तलवों में तेल लगाती हैं, उनको उनके बिना नींद नहीं आती है, कोई नारियल का तेल लगाती हैं, कोई गाय का घी लगाती हैं, कोई बादाम रोगन लगाती हैं, जिनको दर्द होता है तो फिर पीड़ा तक तेल आदि भी लगाते ही है। लेकिन ये तेल का प्रयोग जो है, और
अभी सर्दियों के समय तो स्नान से पहले भी वो दिनचर्या के अंतर्गत आपको बताएंगे। अष्टांग हृदय में पूरी दिनचर्या लिखी है वाग्भट्ट ने, वो भी आपको हम बताएंगे। चरक सुश्रुत सारंगधर वाग्भट्ट, हमारे इन ऋषियों ने जो आयुर्वेद के मूल सूत्र दिए हैं वो आपको ऐसे क्रमशः थोड़े थोड़े बताते जाएंगे। धूमपाह, यह जो आपको अलग अलग औषधियों से आपको धूम्र करने के लिए हम बोलते हैं, महाराष्ट्र में तो इसका प्रयोग बहुत होता है, वो हमने पतंजलि पूजा सामग्री में भी बना रखे हैं। तो ऐसे औषधियों का धूम्र, अग्निहोत्र आदि का धूम्र, उसका सेवन करना चाहिए। उससे औषधीय जो है गुणों से हमारे फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम और पूरी हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। पूर्वाभिभाषी, जैसे ही कोई आपसे बड़े मिलते हैं तो उनको सामने से उनका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। सुमुख, मुख पर प्रसन्नता रहनी चाहिए। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन जो हमेशा हैप्पीनेस रखते हैं वो हेल्दी रहते हैं। जो हमेशा मुरझाए हुए से रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनसे बहुत प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए सुमुख। दुर्गेशु अभ्युपपत्ता, जो कठिनाई में है लोग, किसी भी प्रकार से कष्ट में लोग हैं, उनको उभारने वाला, उनको सहायता देने वाला, उनको उत्साह देने वाला होना चाहिए व्यक्ति को। नहीं तो क्या होता है, जब आदमी कठिनाई में होता है तो हम भी उसके सामने रोने धोने बैठ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के कष्ट में है, दुख में है, प्रतिकूलता में है, उसको उत्साह दे करके उभारने वाला व्यक्ति को होना चाहिए, होता उसको हवन करने वाला होना चाहिए। यष्टा यज देव पूजा संगतिकरण दानेसु, उसको यज्ञ करने वाला होना चाहिए, उसको दाता होना चाहिए। ये ऐसे भाव हैं। देखो, एक है फिजिकल, एक है मेंटल, एक है स्पिरिचुअल, एक है सोशल हेल्थ। अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इन बातों को मानता है। आदमी खाली औषधियों से स्वस्थ नहीं हो सकता। अब तो ये शब्द प्रयोग भी होने लगे हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, पॉलिटिकल हेल्थ, ऐसे बोला जाने लगा है कि आजकल देश का राजनीतिक स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, आजकल देश का धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। तो ये सब प्रकार का स्वास्थ्य हमें प्राप्त हो, उसके लिए महर्षि चरक ने हमें सूत्र दिए। होता यष्टा दाता, चतुष्पदानाम चतुष्पथानाम नमस्कर्ता, चोराहू को प्रणाम करने वाला, अर्थात चोराहों पर चौकन्ना होकर के, सावधान होकर के, सजग होकर के चलने वाला व्यक्ति को होना चाहिए। आजकल तो उसके लिए लाइटें भी लगा दी गई हैं चोराहों के ऊपर, जिससे कि दुर्घटना आदि ना हो। बलिनाम उपहर्ता, जो भी इस समष्टि में जीव रहते हैं उनको, कुत्ता को, गाय को, कौवे को, चींटियों को सहायता करने वाला, उनके लिए दान करने वाला होना चाहिए, इसको बलि बोलते हैं। हम अपनी माँ को देखते थे, छोटे बच्चे थे तब, कि माँ जो है सुबह सुबह एक आटा, मोटा आटा, एक मुट्ठी मोटा आटा रोज, जब भी, क्योंकि अब तो ये शौचालय आदमियों की व्यवस्था हो गई है, सुबह उठते ही माँ जो है जंगल में शौच के लिए जाती थी, तो उस समय एक आटा मुट्ठी भर, मोटा आटा वो लेकर के जाती थी। फिर पहली रोटी गाय को देती थी, कुत्ते को देती थी, उसके बाद हम खाने, कोई भी बहुत जोर से भूख लगी होती थी तो हम छोटे बच्चे थे, झपट्टा मारते थे कि पहले रोटी आती खाएंगे, तो माँ कहती थी नहीं, ये गाय की रोटी है। और फिर उसमें से एक टुकड़ा लेकर के उसको घी शक्कर लगा के अंगारी पर रख करके फिर हमको दिया करती। तो ये इसी को बोलते हैं बलिनाम उपहर्ता, अतिथि नाम पूज्य का, जो भी अतिथि होते हैं उनके प्रति
श्रद्धा रखने वाला होना चाहिए, उनका पूजक होना चाहिए। पृथ्वीभ्यः पिंडदाः, जो अपने बड़े होते हैं, माता पिता पूर्वज, पूर्वजों के बताए मार्ग पर चलने वाला, पूर्वजों के आदर्शों को, अपने कुलवंश खानदान की परंपराओं को निभाने वाला, अपने पूर्वजों के गौरव को बढ़ाने वाला, और अपने जो जीवित माता पिता और गुरुजन हैं, बड़े हैं, उनका के प्रति श्रद्धा सत्कार करने वाला व्यक्ति को होना चाहिए। काले हित मित मधुरार्थवादी जो है, व्यक्ति को समय पर हितकर सत्य और मधुप्रिय बात करने वाला होना चाहिए। देश काल समय परिस्थिति के अनुसार हम बात करें, नहीं तो हमारा शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, बात में से ही बात बिगड़ जाती है। इसलिए ये बातें छोटी लगती हैं, छोटी छोटी बातों से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। मैंने कहा शारीरिक मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक पारिवारिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वास्थ्य खराब हो, ऐसी बात भी ना हम करें। काले हित मित मधुरार्थवादी वश्यात्मा, अपने शरीर इंद्रियों मन पर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति को होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, धर्मात्मा होना चाहिए, धर्मात्मा। अब ये बात आपको मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं मिलेंगी, मॉडर्न मेडिकल साइंस में WHO में अब ये बात होने लगी है कि भाई हेल्थ का मतलब खाली दवाई नहीं है, हेल्थ का मतलब कुछ टेस्टिंग कर ली या बॉडी में कोई टॉक्सिन्स बढ़ गए उसको हमने जो है रिलीज कर दिया, बॉडी को डिटॉक्स कर दिया, और जिन पोषक तत्वों की कमी थी, जिन केमिकल्स और हार्मोन्स की कमी थी उनकी हमने पूर्ति कर दी, या कहीं शरीर में कोई आघात लगा, प्रहार हुआ या शरीर अंग भंग हुआ तो हमने उसको शल्य चिकित्सा, जिसकी शुरुआत भी महर्षि सुश्रुत ने की, हमने मात्र उसका ऑपरेशन आदि कर दिया। इतनी भर चिकित्सा नहीं है, ये चिकित्सा की मूल आत्मा जो कह रहे हैं, धर्मात्मा व्यक्ति को होना चाहिए। माने धर्म का जो कर्तव्य है, जो उत्तरदायित्व है, जो अपना स्वधर्म है, नियत धर्म है, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यूय कर्मण, जो अपना उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करने वाला व्यक्ति को होना चाहिए। नहीं तो अपना और अपना घर परिवार समाज राष्ट्र का स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो सकता। तो धर्मात्मा, धर्म का अर्थ यहाँ रिलीजन नहीं है, धर्म का अर्थ हमारा उत्तरदायित्व, जिससे अपना और समष्टि का अभ्युदय निश्रेयस, माने हमारी भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि हो, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति को होना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं चलती रहती है, कुछ लोग कहते कंपटीशन करना चाहिए, कुछ कहते नहीं करना चाहिए, तो जरा गौर से सुनिए, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, और इन बातों को अपने बच्चों को भी बताना। हेतु ईर्षु फले नेर्षु, ये बहुत बड़ी बात है, अपनी डायरी में लिख लो। हेतु ईर्षु फले नेर्षु, जिनसे जीवन में बड़ा बना जाता है, जिनसे जीवन में सफलता प्राप्त होती है, विजय प्राप्त होती है, उपलब्धियां होती हैं, समृद्धि ऐश्वर्य मिलता है, जीवन में विकास होता है, जीवन में उन विकास के साधन, विकास के जो हेतु हैं, सफलता समृद्धि ऐश्वर्य के जो साधन हैं, उनको अपनाओ। जो सफल व्यक्ति है उनसे ईर्ष्या मत करो, खुद सफल बनने के लिए आप ईर्ष्या करो, सीखो, उनसे प्रतिद्वंदिता करो, माने आत्मस्पर्धा और सात्विक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कंपटीशन से जो है ना व्यक्ति बहुत स्ट्रेस में रहता है, उससे रोगी हो जाता है, उससे तनाव बढ़ता है, समाज में अशांति बढ़ती है, समाज में हिंसा बढ़ती है, बैर बढ़ता है, अप्रीति बढ़ती है, नहीं, जो हेतु हैं सफलता के उनसे ईर्ष्या करो। कहते हैं गुणों से ईर्ष्या करो, गुणों से नहीं, सफल व्यक्तियों से ईर्ष्या मत करो, जिन कारण से, जिन साधनों से, जिस माध्यम से, जिस प्रक्रिया पद्धति से, जिस मैकेनिज्म से, जिस मेथड से उनको सफलता मिली, उनसे ईर्ष्या करो कि मुझे भी ये करना है। फले नेर्षो, जो
जो है फल है उसमें ईर्ष्या नहीं करना, सफलता में क्या ईर्ष्या नहीं करना कि जो है ये सफल क्यों हो गया, ऐसा नहीं। और सफलता की चिंता भी नहीं करना, निश्चिंता, निश्चिंत होना चाहिए व्यक्ति को, चिंता रहित तो होना चाहिए, निर्भीक, निर्भय होना चाहिए। भय उसको होता है जो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे कि खुद से खुद को शर्माए या अपने से ही वो अपना सामना ना कर पाए, माने उसकी आत्मा उसको धिक्कारे, ऐसा कभी काम मत करना तो आप निर्भीक रहेंगे। माने भगवान का विधान, देश का कानून, समाज का, घर परिवार के जो नियम कानून है उनको कभी मत तोड़ना, और तो आप निर्भीक रहेंगे। धीमान होना चाहिए व्यक्ति को, प्रज्ञावान होकर के जीना चाहिए, विवेकशील होकर के जीना चाहिए, श्रीमान होना चाहिए। जो शास्त्र में निषिद्ध कर्म है उनको कभी नहीं करना चाहिए, उसको लज्जावान शीलवान होना चाहिए। महोत्साह, महान उत्साह होना चाहिए, कभी भी धीनता, हीनता, क्षुद्रता, निराशा जीवन में नहीं आना चाहिए। कहते नहीं, निराशा ही मृत्यु है, आशा ही और उत्साह ही जीवन है, आरोग्य है, ये बहुत बड़ी बात है। महोत्साह, महान उत्साह होना चाहिए हमारे भीतर। जैसे मैं बार बार कहता हूँ, अहम इंद्र न पराजिज्ञ कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्याहित, मैं कभी पराजित होने वाला नहीं हूँ, मेरे दाएं हाथ में कर्म और बाएं हाथ में विजय है, सफलता, ऐसा होना चाहिए। ये बातें अपने बच्चों को सिखाइए, खुद सीखिए। महोत्साह दक्ष, व्यक्ति को दक्ष होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, एक्सीलेंस, एक्सपर्टीज, स्किलफुल होना चाहिए व्यक्ति को, हुनर होना चाहिए उसके जीवन में। दक्ष नहीं होगी, दक्षता नहीं होगी आपके जीवन में, प्रतिभा नहीं होगी, एक्सीलेंस नहीं होगा, एक्सपर्टीज नहीं होगा आपके जीवन में, स्किल नहीं होगा आपके लाइफ में, आप जीवन में न स्वस्थ रह सकते, न सुखी और सफल हो सकते। इसलिए हमें दक्ष होना चाहिए, क्षमावान होना चाहिए। क्षमावीरस्य भूषणम्, हम बलवान होते हैं तो कई बार दूसरों को क्षमा नहीं करते, जब हम खुद को कई बार क्षमा करते हैं, अपने से भी तो कितनी भूलें होती हैं, कितनी गलतियां हो, कितने अपराध होते हैं, जब हम खुद को माफ़ कर देते हैं तो औरों को भी क्षमा करना सीखें हम। नहीं, क्षमा व्यक्ति नहीं करता है तो एक बहुत भयंकर प्रतिशोध व्यक्ति के भीतर जन्म लेता रहता है और उसको जलाता रहता है, उसको बीमार बना देता है। धार्मिक, फिर कहा, फिर धर्म, पहले धर्मात्मा का, फिर दोबारा से उसको दोहराया धार्मिक, इसका मतलब इसको बहुत बल देते हैं, व्यक्ति को धर्म का आचरण करने वाला होना चाहिए, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में पूर्ण पवित्रता वाला होना चाहिए। आस्तिक, आस्तिक होना चाहिए, क्योंकि जो आस्तिक होता है उसको अपने से भी परे एक सत्ता दिखती है और उसमें सुरक्षा दिखती है, नहीं तो असुरक्षा का भाव व्यक्ति को रोगी बना देता, असुरक्षा नहीं जीवन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आस्तिक व्यक्ति सदा निर्भय रहता है, निश्चिंत रहता है, उसको अंदर से अनुभव होता है कि मुझसे भी परे एक शक्ति है जो मुझे संभाल रही है। नहीं, कल्याण कृत कश्य दुर्गतिम तात गच्छति यदंग दाससे त्वमग्नि भद्रम करिष्यसि तवे तत्सत्यम अंगिरह नवे भक्ता प्रणश्यति। माने उसको अंदर से एक बहुत बड़ा विश्वास होता है। धर्मात्मा व्यक्ति कभी भी डरता नहीं है, वो अभय रहता है, तो आस्तिक होना चाहिए व्यक्ति को। फिर एक बहुत बड़ी बात कही है और बड़ा सा वाक्य है, विनय बुद्धि विद्या अभिजन वयोवृद्ध सिद्ध आचार्याणाम उपासिता स्यात्। जो विनयशील हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जो विद्या संपन्न हैं, अभिजन हैं, जो कुलीन हैं, उनको अभिजन का, वयोवृद्ध हैं, जो विद्यावृद्ध हैं और वयोवृद्ध हैं दोनों के लिए का, और जो आचार्य हैं उनकी बात मानने वाला होना चाहिए व्यक्ति को। अब देखो, माने बड़े शब्दों में कहा जाए तो बड़ों की बात मानने वाला होना चाहिए व्यक्ति को, जो किसी भी तरह से अपने से बड़े हैं,
उनकी बात मानने वाला होना चाहिए। फिर देखिए, सर्व प्राणीसु बंधुभूता स्यात्, सब प्राणियों के प्रति उसमें बंधुत्व का, प्रेम का भाव होना चाहिए। क्रुद्धा नाम अनुनेता, जो क्रोध करते हैं घर परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, उनको मनाने वाला होना चाहिए, भाई शांत रहो सब ठीक होगा। ये बहुत बड़ी बात है, घर परिवार में, संगठन में, संस्था में, ये पूरा देश तो अपना परिवार है, ये समाज, ये अपने कुटुंब, अपनी संस्थाएं, अपने संगठन, कोई इसमें क्रोध करे तो उसको मनाने वाला होना चाहिए। क्रुद्धा नाम अनुनेता, भीता नाम आश्वसयिता, जो डरे हुए हैं उनको आश्वासन देने वाला होना चाहिए, डरो मत भाई, किसी भी बात से मत डरो, न व्याधियों से डरो, न मानसिक, न धार्मिक रूप से भयभीत हो, न सामाजिक रूप से, न आर्थिक रूप से, न राजनैतिक रूप से, किसी भी प्रकार की चुनौतियों से भयभीत मत हो। भीता नाम आश्वसयिता, दीना नाम अभ्युपपत्ता, जो दीन दुखी दरिद्र हैं उनको उभारने वाला होना चाहिए। सत्य संघाह, सच्ची प्रतिज्ञा वाला होना चाहिए, जो एक बार निश्चय किया उस पर उसको अडिग रहने वाला होना चाहिए। साम प्रधान, शांत चित्त वाला व्यक्ति, शांत रहने वाला होना चाहिए व्यक्ति को। पर पुरुष वचन सहिष्णु, पर पुरुष वचन सहिष्णु, कोई दूसरा अपने को कठोर बात कह दे तो उसको सहने की भी ताकत होनी चाहिए। कुछ लोग इतनी अनुकूलताओं में जीते हैं, जरा सी कोई बात हो जाए तो घर परिवार सब कुछ टूट जाता, राष्ट्र टूट जाते हैं। हाँ, पर पुरुष वचन सहिष्णु, अमर्षघ्न, और अपने क्रोध को रोकने वाला होना चाहिए। कई बार क्रोध में आदमी बड़े बड़े पाप कर देता है। प्रशम गुणदर्शी, शांति के गुणों को ओलचल ना होने दे, जो अपने भीतर शांति है, सोमनस्यता है, सद्भावना है, दिव्यता है, उसको जो है ओझल ना होने दे। राग द्वेष हेतु नाम हंताचा, राग और द्वेष के जो कारण हैं उसका निवारण करने वाला होना चाहिए। तो आज आपको हमने बहुत सारे सूत्र दिए हैं, यूँ तो ये एक बहुत बड़ी ज्ञान परंपरा अपने पूर्वजों की, इसको हम आगे और बढ़ाते जाएंगे और आपको ये आरोग्य के सूत्र देते जाएंगे।